सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। जुमेरात के दिन को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन मख्तस किया गया था। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नून लीगी रहनुमाओं ने आज अडियाला जेल में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के लिए आने वाले रहनुमाओं में सेनेटर मुशाहद हुसैन सैयद, मीर हासिल बजिंजो, परवेज़ मलिक, तलाल चौधरी, ज़ुबैर महमूद और ग़ुलाम दस्तगीर के अलावा साफ पानी कमीशन के साबिक सरबरा कमरुल इस्लाम के बच्चे शामिल थे। सेनेटर मुशाहद हुसैन सैयद ने मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ को गुज़िश्ता रोज़ होने वाले कौमी असम्बली के इजलास से मुतल्लिक बताते हुए कहा कि कल हमने कौमी असम्बली में इमरान खान को टफ टाइम दिया, वो कल काफ़ी परेशान थे। इस पर मरियम नवाज ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैंने भी अखबार में पढ़ा है कि इमरान खान असम्बली में परेशान दिखाई दिए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मुलाकात में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर मोहम्मद सफदर ने सफ़ेद शलवार कमीज पहन रखी थी जो कि जेल का लिबास है और इस लिबास को सिर्फ कैदी ही पहनते हैं, जबकि मुलाकात के दौरान मरियम नवाज मग में चाय पी रही हैं। नवाज शरीफ ने मुलाकात के लिए आने वालों से मुख्तलिफ अमूर पर बात की और इस दौरान उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से कहा, हमने मुल्क की खिदमत की है, ताहम मुश्किल वक्त आता है और चला जाता है। याद रहे, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के साथ एहतसाब अदालत की तरफ से दी गई सजा भुगत रहे हैं। तीनों मुजरमों को सजा एवन फील्ड रेफरेंस में सुनाई गई। तीनों मुजरम इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं और अपनी सजा काट रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ख्याल से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरी डेली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को दबाइए।